अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजन मेंटर। फिजिक्स 101 या PHY 101 के इम्पोर्टेंट लेक्चर्स फॉर द फाइनल टर्म। आज हम वो डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फाइनल टर्म है वो 23 लेक्चर से 45 लेक्चर में से कंडक्ट होगा। तो हम 23 से 45 तक वो लेक्चर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें से ज़्यादा वेटेज का पेपर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या कहते हैं देखने हैं लेक्चर्स। अजय जी, हमारे पास लेक्चर नंबर 23 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सेकंड पार्ट है उसने वो दिया हुआ है। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, रीड कर लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। लेक्चर नंबर 24 में आ जाएँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इम्पोर्टेंट है, आपने उसको रीड करना है, तैयार करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक के लिहाज से ये टॉपिक है तो आपने इसको लाजमी तैयार करना है। लेक्चर नंबर 25 कैपेसिटर एंड करंट इम्पोर्टेंट है, किस तरह कैपेसिटर क्या काम करता है, करंट किस तरह से पास होता है। लेक्चर नंबर 26 में करंट एंड सर्किट्स भी इम्पोर्टेंट है। लेक्चर नंबर 27 द मैग्नेटिक फील्ड इम्पोर्टेंट है, MCQ शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं। लेक्चर नंबर 28 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आपने इसको लाजमी तैयार करना है। इसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन 27-28 में से मे भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाएं। 29 आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। अगर आप रीड करना चाहें कर लीजिएगा, मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि रीड करिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वैसे आप स्किप भी कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 30 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंपॉर्टेंट है, लाजमी तैयार करना है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। लेक्चर नंबर 31 स्किप कर दीजिएगा, फिजिक्स ऑफ लाइट छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। लेक्चर नंबर 32 इंट्रैक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है काफ़ी हद तक। ठीक है, आपके MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इस पर से। लेक्चर नंबर 33 में इंटरफ्रांस एंड डिफ्रैक्शन देख लीजिएगा, बस नॉर्मल है यार, कभी कभी आ जाते हैं इसमें MCQs। लेक्चर नंबर 34 पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट देख लीजिएगा, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। लेक्चर नंबर 35 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन प्लस MCQ आते हैं, तो आपने इसको रीड करना है, तैयार करना है। लेक्चर नंबर 36 37 एंड 38 हीट के रिलेटेड है, अगर आपने हीट का एक भी लेक्चर अच्छे से तैयार कर लिया, ठीक है, अगर आप हीट का एक भी लेक्चर अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको बाकी दो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स सपोज आप लेक्चर नंबर 36 अच्छे से रीड कर लिया तो आपको 37 एंड 38 रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ये टॉपिक, ये लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको स्किप नहीं करना, पढ़ लेना है। ठीक है, वैसे आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं एक लेक्चर पढ़ने के बाद, मतलब अगर आप 36 पढ़ लेते हैं आप 37-38 स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, 39 40 41 42 43 45 एंड 46 में से आपका जी 41 क्या कहते हैं मैटर एज वेव्स आप देख लीजिएगा। 43 क्वांटम मैकेनिक्स भी इम्पॉर्टेंट है आपका, आपने इसको रीड करना है। बाकी इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स आप या फिजिक्स ऑफ सन, ये 43 45 44 ये आप छोड़ भी दीजिएगा तो ये क्या कहते हैं इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। बाकी जो लेक्चर थे वो 23 से ऑनवर्ड 45 तक मैंने आपको बता दिए। 23 से 30 तक आपके लेक्चर सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छी तरह करना है। ठीक है, 30 से ऑनवर्ड 45 तक उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। उनमें से बाज लेक्चर स्किप करने हैं, बाज लेक्चर रीड करने हैं, एंड उनमें से ज़्यादा वेटेज का पेपर आता है किनमें से आता है वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लड़ा हाफिज़।